अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू हैकर बॉयज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट इंसिडेंट जो लाहौर में पेश आया, उसके बाद से आवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। डोंट फॉरगेट कि इस वाकये के बाद से अब तक 3 से 4 रेप केसेस और रिपोर्ट हो चुके हैं। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम सून, जब तक कि कोई सख्त किस्म का लॉ पास ना हो जाए। अब हर कोई इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है और विक्टिम ब्लेमिंग जारी है, लेकिन कोई भी सर्वाइवर्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि हाउ दे आर सर्वाइविंग। तो ये वीडियो हमारी सर्वाइवर्स और हमारी वंडर वुमेन के नाम। जी, वो लोग जो इन घिनौने हादसात के बाद भी अपनी ज़िंदगी और अपने ख्वाब नहीं भूले, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए कि तुमसे अगर हक छीना जाए तो बिछड़ो ना अपनी जान देके, क्योंकि खुदा का मक्का फातह अमल आज नहीं तो कल ज़रूर आता है। ऐसी एक मिसाल हमारे पास 2002 की सर्वाइवर मुख्तारन माई है, जिन्होंने ना सिर्फ एक आवाज़ उड़ाई बल्कि हर एक सर्वाइवर की आवाज़ बनी। हमारे माशरे में तो आज भी औरत को आगे नहीं आने दिया जाता, वो तो जब आई थी जब कोई सोच भी नहीं सकता था। नॉट टू फॉरगेट कि ये सिर्फ फीमेल्स के साथ ही नहीं, माइनर बॉयज़ के साथ भी होता है। हम आपको सल्यूट पेश करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को फेस करने के बावजूद भी आज आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किन मुश्किलात से आप लोग गुजरे होंगे। ये गलाजत तो थी ही, लेकिन समाज की बातें, माशरे के ताने और ना जाने क्या क्या आपने फेस किया होगा, और आज आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं। अब ये तो सर्वाइवर्स हैं, पर हम हर दिन हर वक्त ऐसी ही कुछ वंडर वुमेन के साथ रहते हैं जो आपके भी और मेरे भी घर में हैं। हर वो माँ, बहन और बेटी जो स्कूल से ले गई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाज़ार और ना जाने कहाँ कहाँ जाती है, कल को हमारी भी फैमिली होगी। हमें उनके लिए ये करना है, अगर आज हम एक हो गए तो उनका कल बचा लेंगे। अब ये किसी एक तबके की जंग नहीं है, ना ऑल मैन और ना ही तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, बल्कि ये तो इंसानियत की जंग है। अभी भी कुछ लोग इस जैसे घटिया नारे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जेंडर वॉर्स छिड़ चुकी हैं। इन नारों के शोर में वो आवाज़ दम तोड़ रही है जो कि सर्वाइवर्स के लिए उठनी चाहिए। हमें इसको जड़ से ख़त्म करना है। आज ये जंग अगर ना रोकी गई तो क्या ये हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी? आज अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल किसी और को हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। स्टैंड फॉर योर फैमिली, स्टैंड फॉर पाकिस्तान। इस स्टेटमेंट से तो यही जाहिर होता है कि काम नहीं, बस बहाने बनाने आते हैं इन लोगों को। अगर इतना ही मसला है आपको तो आप आराम से रिजाइन देके घर बैठे काम कोई और कर लेगा, क्योंकि ना तो अपना फ़र्ज और ना ही इंसानियत का मुजाहरा करा आपने, बल्कि हमें एक और मिसाल दे दी कि क्यों लोग किसी भी हादसे के बाद अपने अवाम के मुहाफिजों के पास नहीं जाते। लेकिन इस बयान का जिम्मेदार कौन है? क्या वो बंदा या फिर वो सोच? क्योंकि आज हम इंसान तो बदल देंगे, पर सोच का क्या होगा? पर मसला खाली उनमें नहीं, हमारे अंदर भी है। क्यों हर हादसे के कुछ दिन तक ही बोलते हैं हम? क्यों बस शुरुआत में ही वो गुस्सा, वो एक नज़र आता है, लेकिन जहां हमें फ़र्क बनाना हो तादाद में कमी और आवाज़ धीमी हो जाती है। आखिर कब तक हम हर हादसे के बाद ही बोलेंगे? आखिर कब तक हम बस ट्रेंड्स फॉलो करेंगे? अब थोड़ी रोशनी इनके बयान पे भी डालते हैं। रात में GT रोड यूज़ करना चाहिए, वो रिहायशी इलाका है। तो भाई, आपने मोटरवे क्यों बनाई? दुनिया की बेस्ट मोटरवे बनाने का दावा हुआ करता था, लेकिन शायद आप बेस्ट सिक्योरिटी देना भूल गए। बकौल आपके, रात में मोटरवे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो रात में टोल टैक्सेस भी ख़त्म कर दें। जब आप रात में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आवाम टैक्स किस बात का दे? मोटरवे से जाएं या GT रोड से, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। अच्छा, वैसे क्या अगर वो GT रोड से जाती है तो ये सब ना होता? क्या अगर वो रात के 12:30 बजे ना जाती तो ये सब ना होता? जैसे कि आपने रास्तों में हमारे लड़की से लड़के नाबालिग बच्चे को छोड़ दिया, जैसा कि आप लोगों ने स्कूल में छोटी 25 से लेके टीचर्स को छोड़ दिया, जैसे आप लोगों ने ऑफिस में अकेली औरतों से लेकर माँ को छोड़ दिया, जैसे आपने बसेस में यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज से की लड़कियों को छोड़ दिया, जैसे अपने गाँव में 8 माह की बच्ची से लेकर ट्रांसजेंडर्स को छोड़ दिया, जैसे आपने कब्रिस्तानों में मौजूद मुर्दों को छोड़ दिया,
Now we demand. We demand. We demand. We demand. We demand. Strict action. We demand. We demand. We demand. We demand justice. We demand. Immediate passing of law. Immediate passing of law. Public. 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 Public hanging. Public hanging of rapist. I stand. I stand. We stand. We stand for. We stand for war against rape.